श्री सुरेश ठाकुर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची के माध्यम से मुझे मेरे क्षेत्र की बेंसरोड़गढ़ डावरदा पेयजल परियोजना को उस पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूँ कि बेंसरोड़गढ़ डावरदा पेयजल परियोजना है, उसकी समस्या जो वहां से खड़ी हुई कि पूर्ववर्ती सरकार में एक योजना बनी कि भिलवाड़ा जिलों को पानी पिलाया जाएगा, उसके लिए 2500 करोड़ की इन्होंने योजना बना दी, लेकिन जहां से पानी उठाना था उन एंड रूट विलेज का ध्यान नहीं रखा और मेरे क्षेत्र में कम से कम 25-30 किलोमीटर एरिया में वहां पानी होके जाता है और सोर्स बेंसरोड़गढ़ में है। तब फिर इनको बाद में जब पूरा काम चल रहा लेकिन फॉरेस्ट की एनओसी की जरूरत पड़ी तो इन्होंने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में यह था कि इनको एनओसी की जरूरत थी, कलेक्टर से एक सर्टिफिकेट चाहिए था, लेकिन कलेक्टर जब तक सर्टिफिकेट नहीं जारी कर सकता जब तक ही ग्राम पंचायतों को एनओसी नहीं मिल जाए। तब एक मीटिंग में समझौता हुआ जिसमें मैं स्वयं था, माननीय तत्कालीन मंत्री महोदय सांवरलाल जी जाट थे, इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी सब अधिकारी थे। उसमें दो तीन चीजों पर समझौता हुआ, मैं बताता हूँ कि टू सोल्व द ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम ऑफ 77 विलेजेस, दैट इज बेंसरोड़गढ़, बोराव, दांगणमऊ कला, गोपालपुरा, श्रीपुरा एंड तंबोलिया पंचायत। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि एग्जिस्टिंग इंटेक वेल ऑफ बेंसरोड़गढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर टू डिलीवर ड्रिंकिंग वाटर टू 77 विलेज ऑफ बेंसरोड़गढ़ पंचायत समिति विल बी प्रिपेयर्ड एंड सैंक्शन एट एन अर्ली डेट। इसका सेकंड पॉइंट है ए सेपरेट डिटेल प्रपोजल फॉर सॉल्विंग द ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम ऑफ 9 विलेज ऑफ रावड़दा पंचायत और पंचायत समिति बेगू विल बी प्रिपेयर्ड एंड सैंक्शन। थर्ड पॉइंट है इसका द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चित्तौड़गढ़ रिगार्डिंग डाइवर्जन टू फॉरेस्ट लैंड फॉर चंबल बिलवाड़ा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट विल बी इश्यूड इमीडिएटली। केवल इसमें इमीडिएटली लिखा हुआ है, बाकी इन्होंने इनकी मर्जी से लिख दिया। तो इसमें मेरा ये है कि जो 2500 करोड़ योजना बनाई उस योजना के लिए कम से कम जो समझौता हुआ उस समझौते में इन्होंने खुद ने लिख दिया और ये समझौता 17 जुलाई 2014 का है और जब विपक्ष में थे तब हमने आंदोलन किया, कुछ काम किया, लेकिन अब हम सत्ता पक्ष में हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। मंत्री जी से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो 2100 करोड़ की पेयजल योजना उसमें हमने 3-4 महीने लग गए एनओसी देने में, हमने कहा हमें पानी पिलाओ तब जाके मैटर इस पे पहुंचा, फिर एक समझौता हुआ, उस योजना को डिले होने में करीब 100 करोड़ का नुकसान हुआ। फिर इन्होंने जाकर के 52 करोड़ 1-7 करोड़ की योजना स्वीकृत की। मैं अगर एनओसी नहीं मिलती माननीय उपाध्यक्ष महोदय तो भिलवाड़ा को पानी पीने से वंचित रहना पड़ता। अभी भी पूरी एनओसी नहीं मिली है, जो एन रूट विलेज है उनको पानी मिलना चाहिए, ये एक बहाना बना देते हैं बेंसरोड़गढ़ के लिए कि फॉरेस्ट है थोड़ा 30% में उसको एनओसी नहीं दे सकते हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, चलो बेंसरोड़गढ़ में फॉरेस्ट का थोड़ा बहुत इश्यू है तो उसको बात कर क्या हो सकता है, लेकिन रावड़दा में क्या प्रॉब्लम है जब। और मैं एक बात और पूछना चाहता हूं इसके साथ कि रावड़दा पेयजल परियोजना में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, उसका पीपीसी की मीटिंग में भी आ गया, उसको सैंक्शन कर देना चाहिए, टेंडर कर देना चाहिए, लेकिन उसमें भी देरी की जा रही। दूसरा ये पूछना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने अब तक ऐसी कितनी परियोजनाएं जिनकी एनओसी लिए बिना टेंडर कर दिए, अगर कर दिए हैं बहुत सारी योजनाएं इसके किया है तो फिर इसमें क्यों जानबूझ के इसको क्यों नहीं किया जा रहा है। इसमें 70% फॉरेस्ट है माननीय उपाध्यक्ष, सिंपल जमीन है और 30% फॉरेस्ट है, अगर ये टेंडर कर देते तो थोड़ा प्रोसेस में चल के उसकी एनओसी आएगी तब तक 70% काम कंप्लीट हो जाएगा और सोर्स से जोड़ने का काम बाकी रहेगा, तो इसमें पेयजल में सोर्स से जोड़ने का काम कोई 2-4 महीने की रहता, ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं होता तो कर सकते हैं। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष मैं कहना चाह रहा हूं कि मन थोड़ा ठीक नहीं है, अगर मन से पूरे मन से अगर बात की जाए तो ये हो सकता है। और भिलवाड़ा को पानी पिलाना है तो सोर्स को पानी देना वहां के बसे हुए लोगों, क्योंकि झालावाड़ पानी जा रहा है, रामगंज मंडी पानी जा रहा है, भिलवाड़ा जाने लग गया, और अभी थोड़े दिनों पहले एक डीपीआर बनाने की घोषणा की कि ब्राह्मणी पे बांध बनेगा और जयपुर को पानी पिलाया जाएगा। तो पानी सबका है, राजस्थान के लोगों को पानी मिलना चाहिए और की कई जरूरतें वहां लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन मानवता के नाते और नियम से भी एंड रूट विलेज को पानी मिलना चाहिए। उसमें मेरे 2-3 समाधान है उपाध्यक्ष महोदय। पहला यह है कि भिलवाड़ा को 256 एमएलडी पानी चाहिए और मेरे क्षेत्र की जो पेयजल परियोजना उसको सिर्फ 2.25 एमएलडी पानी चाहिए, जो लगभग 1% पानी है, तो उसी योजना से अगर पानी दे दें तो इनको इतना खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा और पानी भी आराम से मिल जाएगा, एनओसी का झंझट भी नहीं रहेगा, सब काम ठीक हो सकता है। इसमें ये लोग ये कह सकते हैं कि सब लोग पानी मांगने लग जाएंगे, ऐसे तो सब लोगों को पानी मांगने का हक इसलिए नहीं है कि जहां सोर्स है और जिन गांव से होकर के निकल रहा है उन लोगों को देना ठीक है, लेकिन कोई जैसलमेर का आदमी थोड़ी वहां पानी मांगेगा, जो एंड रूट विलेज है वही लोग पानी मांगे। इसमें दूसरा यह है
कि इस योजना का नाम बदल दे। इस योजना का नाम भैंसरोडगढ़ पेयजल परियोजना नहीं रख करके भीलवाड़ा पेयजल परियोजना रख दें और इसके टेंडर लगा दें विस्तार योजना, तो इसकी एनओसी 3 महीने मिल जाएगी। क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट यह कहता है कि हमने डाइवर्जन जमीन का फॉरेस्ट लैंड का पीएचडी को कर दिया है, तो 5 मीटर के अंदर पीएचडी चाहे जिस तरीके का काम करे। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दोनों की नेचर एक तरह की है, पाइपलाइन डालनी है, पानी पिलाना है, सारे काम सेम नेचर के हैं, तो उसमें किसी की कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा इसमें यह है कि एक राइजिंग पाइपलाइन है जो करीब 10-11 किलोमीटर है, उसी का इश्यू ज्यादा है जो फॉरेस्ट में पड़ती है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो 2500 करोड़ की योजना है तो 10% एक्स्ट्रा एक्सेस काम कर सकते हैं, 2500 करोड़ बनता है, और मेरी जो पाइपलाइन डालनी उसका केवल 5-6 करोड़ रुपए में काम हो जाता है। तो अगर वो पाइपलाइन उसी ठेकेदार को अगर अनुमत कर दें विशेष परिस्थिति में, और वैसे ही नियम में कानून में एक्ट में लिखा हुआ है कर सकते हैं, तो वो ये कर दे और इस भैंसरोडगढ़ का ही टेंडर कर दे, तब भी इनके लोगों को पानी मिल सकता है। एक समाधान और कि माना कि ये नहीं कर सकते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, तो फिर इनको ये समझौता नहीं करना चाहिए था। फिर जब समझौता कर दिया और वहां के लोगों को पानी मिलाना है, तो एक और समाधान कि कुल 6 पंचायतों के 17 गांवों को पानी मिल रहा है और उसके पैसे लग रहे हैं 52 करोड़। तो मेरे जो 2 फॉरेस्ट में आती 2 ग्राम पंचायतें उनके सारे विलेजेस को छोड़ करके दूसरी 2 ग्राम पंचायतों को उसमें ऐड कर लिया जाए, और जो सोर्स है बिना फॉरेस्ट का वहां से मैं बता दूं, और उसी 52 करोड़ में ये योजना कंक्लूड कर ली जाए और वहां के लोगों को पानी मिल सके। रावड़दा के लिए मैं पहले भी बोल चुका हूं कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मंत्री महोदय अभी जवाब देंगे तो उसमें इसकी घोषणा कर देंगे, तो भीलवाड़ा के लिए भी और हम सब लोगों के लिए भी ठीक रहेगा। अंतिम समाधान कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो तो सिर्फ इसका टेंडर करा दो, हम हमारे स्तर पर वहां पाइपलाइन बना देंगे और वहां पर काम हो जाएगा और वहां के लोगों को पानी मिल जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि आप पूरी ईमानदारी से पूरे मन से सोचेंगे तो जो एंड रोड विलेज है उनको पानी मिलना चाहिए, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। और भीलवाड़ा जो पानी जा रहा है उसकी एनओसी पूरी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट में यह लिखा हुआ है कि अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं तो आप पाइपलाइन के अंदर एनओसी अप्लाई कर दें तो सारा काम कर सकते हैं, लेकिन फाइनल एनओसी नहीं आती है तब तक आप उस चीज को उपयोग में नहीं ले सकते हैं। तो ये भीलवाड़ा भी पानी जा रहा है, चल रहा है, उपयोग ले रहे हैं, तो ये कानूनन ठीक नहीं है। दूसरा, वहां 33 केवी की जो लाइन है वो नगर पालिका क्षेत्र में होकर निकल रही है हमारी बिना एनओसी के लिए रख रखी, तो आने वाले समय में वो तार 33 केवी भी वहां से हटानी पड़ेगी। तो गर्मी का समय है, आप लोगों को भी परेशानी नहीं हो और मेरे क्षेत्र के लोगों को भी परेशानी नहीं हो, तो मैं मंत्री महोदय से यही कहूंगा कि इसकी अभी घोषणा कर दे ताकि सबके हित में ठीक रहेगा, और छोटा सा काम है केवल टेंडर करना है। थैंक यू। अजय किरण जी देंगे जवाब। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा संवेदनशील विषय है इनका, विकल्प भी बहुत दिए हैं माननीय सदस्य, बेगू से आने वाले माननीय सदस्य की प्रॉब्लम वास्तव में बहुत ही जेन्युइन है, क्योंकि ये भीलवाड़ा चंबल परियोजना जो है उसके एंड्रूट विलेजेस में आता है ये भैंसरोडगढ़, और भैंसरोडगढ़ के ये लगभग 65 गांव और ढाणियां है जिसकी योजना बनाई गई थी और जिसको स्वीकृति भी मिली है दिनांक 9/12/2014 को। लगभग 51 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी थी पीपीसी की मीटिंग में, और इसके पश्चात ये 2/11/2015 को टेक्निकल कमिटी से भी ये निकली है। लेकिन इसमें जो मेन समस्या आ रही है इस परियोजना के लिए वो ये आ रही है कि इसका 35% जो इस योजना का भाग है वो जवाहर सागर अभ्यारण्य, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य और वन मंडल चित्तौड़गढ़ के बोराव रेंज में आता है, इसलिए फॉरेस्ट की परमिशन के बिना हम इसको स्वीकृति नहीं जारी कर पा रहे हैं। ये इसकी मेन टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से इनकी क्लियरेंस नहीं होने से ये योजना स्वीकृत होने के बावजूद भी काम नहीं शुरू कर पा रहे, टेंडर्स नहीं कर पा रहे। लेकिन ये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहती हूं कि क्लियरेंस के लिए 28/1/2016 और 2/2/2016 को वन विभाग की वेबसाइट पर इसकी एप्लीकेशन अपलोड कर दी गई है और इसकी क्लियरेंस के लिए कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। जहां तक माननीय सदस्य ने ये कहा कि हम लोग लेते रहें परमिशन और एक बार हम टेंडर कॉल कर दें, तो मैं उनको आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूं कि पूर्व में भी ऐसे ही 2004-05 के अंदर हमने सवाई माधोपुर नादोती योजना को जब स्वीकृत करी थी तो
तो उसमें ये अनुमान था कि फॉरेस्ट की क्लियर हो ही जाएगा, क्लियरेंस मिल ही जाएगी, लेकिन फॉरेस्ट की क्लियरेंस नहीं मिलने पर आपने देखा कि बहुत लंबे समय तक जब टेंडर्स हो जाते हैं, वर्क ऑर्डर हो जाते हैं, तो उसकी जो रेट्स हैं वो रेट्स को फिर रिवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है और पुरानी रेट्स के ऊपर वो ठेकेदार काम करते नहीं है, तो इसके कारण से फिर बाद में जाकर बहुत सारी परेशानी आ रही। और इसमें ये भी है कि जो फॉरेस्ट एरिया है उसके अंदर मेन जो इंटेक है, फिल्टर प्लांट है, पंप हाउस है, मेन ट्रांसमिशन, ये सारे फॉरेस्ट एरिया में आ रहे हैं, तो आज अगर पाइपलाइन डाल देंगे और अगर इंटेक नहीं होगा, मेन ट्रांसमिशन की लाइन अगर हम लोग नहीं डाल पाएंगे तो सारी चीजें बेकार हो जाएगी, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम खड़ा करेंगे वो बेकार होगा। और इस वजह से इसकी स्वीकृति फॉरेस्ट से आने के पश्चात इस काम को हम लोग हाथ में ले लेंगे। जहां तक माननीय सदस्य ने जो रावरदा के संदर्भ में जो इन्होंने कहा कि जो योजना इनकी इन्होंने बनवाई है, उसको मैं ये आपके माध्यम से उनको आश्वस्त कर सकती हूँ कि जो आने वाले पीपीसी की जो मीटिंग होगी उस मीटिंग के अंदर उस पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा और उसके अंदर जो उनकी योजना है जो लगभग 5 गांव और 3 ढाणियों को जोड़ने की बनाई गई है उसके ऊपर हम लोग सहानुभूतिपूर्वक विचार करके स्वीकृत करने की कोशिश करें। श्री शंकर सिंह जी। अन्य उपदेश महोदय, जब मेरा प्रश्न में नंबर आता है बेसरोडगढ़ पेयजल योजना पूछने का, तभी मंत्री जी जवाब नहीं देते हैं और 2-3 मंत्री जी सब लोग समझा के बिठा देते हैं। मैं आपका संरक्षण चाहूंगा यहाँ। मेरा ये कि जिस समझौता हम करते हैं, जो एग्रीमेंट किया, फिर एग्रीमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी? जब इनको पानी चाहिए था, भिलवाड़ा को पानी पिलाना था, तो इन्होंने इमीडिएटली शब्द भी लिख दिया। मैंने उस समय भी ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन तत्कालीन मंत्री महोदय ने कहा मैं बैठा हूँ यार, हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पाया। उसके बाद दूसरे मंत्री जी किरण जी आ गए, तीसरे मंत्री जी सुरेंद्र जी गोयल आए, और आज मुझे चौथे मंत्री के रूप में किरण जी माहेश्वरी से वापस जवाब मिल रहा है। तो मेरा ये कि रावड़दा के लिए तो कम से कम आप घोषणा कर दो कि मैं इसको तो आश्वासन में जाएगा, आश्वासन कमेटी में भी मैं हूँ, तो वहां तो मंगवा ही लूंगा मैं कागज। लेकिन यहाँ मैं आपसे चाहूंगा कि पीपीसी की मीटिंग में इसकी घोषणा हो जाए। दूसरा, उसके लिए तो मंत्री जी सहमत है ना? सहमत है तो मैं धन्यवाद दे देता हूँ उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से। अंकित और हो गया, इसलिए इससे ज्यादा आपको गारंटी क्या चाहिए? उपाध्यक्ष महोदय धन्यवाद। एक ये है कि पीपीसी की मीटिंग होती है, बहुत सारी बार आपके यहाँ से भी माननीय सदस्य भी बोलते हैं ये सदन परंपराओं से चलता है, तो मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट भी परंपराओं से चलते हैं। इनकी पुरानी जो परंपरा चले आ रही है बिना एनओसी के टेंडर करना, तो इसमें एक परंपरा और निभा दे और बिना एनओसी के टेंडर कर दे। और किरण जी माहेश्वरी जो गोसुंडा से है, हमारे चित्तौड़ की बहू भी है, और प्राचीन काल से एक परंपरा रही है कि बहू बेटी को पानी पिलाने, समाज में अपने घर परिवार वालों को पानी पिलाने का काम इनका रहता है, तो आज इनको एक मौका मिला है, तो ये घोषणा कर दे कि मैं इसके टेंडर करती हूँ। साथ ही एक ये कि जब कपासन पधारे थे तो मंत्री जी ने घोषणा की थी वहां तालाब के, कपासन तालाब के पानी लेके गए, एक इश्यू है, तो 2 मंत्रियों का आपस में मिलन नहीं हो पा रहा है, तो जलदाय मंत्री और सिंचाई मंत्री कब मिलने वाले हैं उसकी भी तारीख बता दें तो थोड़ा मेरे लिए ठीक हो जाएगा, और उसमें थोड़ा आपकी तरफ से भी स्नेह आशीर्वाद रहे। तो मैं माननीय किरण जी महेश्वर से निवेदन करूंगा कि उसकी घोषणा करें और इसमें भी कह देंगे बहुत जल्दी, और पीपीसी की मीटिंग कब होगी उसकी तारीख जरूर बता दें, क्योंकि वो आता ना तारीख पे तारीख, कौन सी फिल्म है उसमें, ऐसे इनकी मीटिंगों में हमेशा मैं जब भी पूछता हूँ तो तारीख से तारीख दिए जाते हैं, तो भिलवाड़ा में कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं हो और पानी को लोग कोई इश्यू खड़ा नहीं हो वहाँ, उससे बचने के लिए इनको कुछ करना चाहिए। थैंक यू। उपाध्यक्ष महोदय, किरण जी हमारी भाभी जरूर है, लेकिन भाभी जी घर पे नहीं रहती है, फिर आसमान रहने लगी, नाराज है थोड़ी हमसे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय बेगू से आने वाले सदस्य ने कहा पीपीसी की मीटिंग तो अति शीघ्र करवा देंगे, माननीय जनस्वास्थ्य अभियंत्रिक मंत्री जी से हम कह देंगे कि वो जल्दी करें मीटिंग, लेकिन इसके अलावा जो उन्होंने कपासन शहरी योजना के संदर्भ में जो बात कही, तो दोनों ही मिनिस्टर्स को बैठना है, जल संसाधन मंत्री जी भी यहाँ पर विराजमान है और पीएचडी मिनिस्टर, और दोनों की मीटिंग हो जल्दी ही करवा के, और इसमें जो पानी के आरक्षण का मुद्दा है वो पानी रिजर्वेशन हो जाए, तो रिजर्व वाटर होगा तो फिर स्कीम हमारी पेयजल की बन सकेगी कपासन शहरी योजना की, तो उसको जल्दी से जल्द करवाएं। श्री शंकर सिंह जी।